हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड ईएमएफ ऑफ सेल। एक सेल के ईएमएफ और गिब्स फ्री एनर्जी है, उसमें क्या रिलेशन होता है। ठीक है, देखिएगा, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज बताते हैं किसी भी यूजफुल वर्क को माइनस डब्ल्यू यूजफुल होता है। ये कोई यूजफुल वर्क है उसको बताते हैं। ठीक है, और यहां पर जो यूजफुल वर्क होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क है। ईएमएफ में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क। तो यहां पर मैं ये लिख सकता हूं डेल्टा जी इक्वल टू, यहां पर यूजफुल जो वर्क है वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल होगा। और बेटा डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क होता है डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल, मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क। ये होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटू टोटल चार्ज, ये होगा उस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटू टोटल चार्ज। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये क्या होता है, उसका ईएमएफ है, या इसी को मैं क्या बोल देता हूं, ई सेल। और टोटल चार्ज ये बराबर होता है एनएफ, एनएफ के बराबर होता है। तो यहां पर डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल किसके बराबर हो गया, एनएफ ई सेल, ये लिख सकते हो ना डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल। तो जो आपका इलेक्ट्रिकल वर्क है वो किसके बराबर हो गया, एनएफ ई सेल के बराबर। और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज किसके इक्वल होते हैं, माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल वर्क। तो यहां से क्या रिलेशन होगा, डेल्टा जी इक्वल टू होगा माइनस एन एफ ई सेल, ये किसके इक्वल होगा, माइनस एन एफ ई सेल के। क्लियर हुआ। यहां पर बेटा एक चीज ध्यान में रखना, ई सेल ये क्या होगा, ईएमएफ ऑफ सेल। क्लियर हो गया। एन, एन होता बैलेंस सेल रिएक्शन में ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल रिएक्शन। और यहां पे जो एफ होता है, एफ होता है फेराडे कांस्टेंट, ये होता है फेराडे कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू, एफ की वैल्यू किसके बराबर होती है, 96500 कूलम, ये होगा। तो बेटा आपका ईएमएफ ऑफ डेल्टा जी में क्या रिलेशन होगा, ऐसे तो ये पहले भी आ चुका है लेकिन दोबारा से रिपीट कर देते हैं। तो डेल्टा जी इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, माइनस एन एफ ई सेल मिल रहा है। अब देखो इसके मैं केस बना के आपको पढ़ाता हूं। देखो ये रिलेशन लिख रहे ना, डेल्टा जी इक्वल टू क्या मिल गया आपको, माइनस एन एफ ई सेल, ये रिलेशन मिल गया डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, इससे देखो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया, बैकवर्ड डायरेक्शन में, उसकी स्पॉन्टेनिटी है उसको चेक की जाती है। देखो कैसे करेंगे, नोट कर लिया इसको। एक चीज और बता देता हूं मैं, डेल्टा जी और ई थर्मोडायनेमिक टर्म होती है। ठीक है, और इसके अंदर होती है बेटा एडिटिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोल देते हैं। यहां पर डेल्टा जी है, ये तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इसको तो ऐड कर सकते हैं। और ई सेल होता है, ईएमएफ होता है, वो एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, ये ध्यान रख लेना, इंटेंसिव होती है। क्लियर, क्योंकि इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करवाएंगे आगे आएगा, हालांकि दोबारा से बता देंगे। इसको लिख लिया। अब देखो इसमें कुछ केस अप्लाई करते हैं, देखिएगा लिखते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट पहला केस, इसमें मैंने ये बोल दिया इफ, ये मतलब इफ ईएमएफ ऑफ सेल, जो बैटरी है ईएमएफ ऑफ सेल है वो कितना है, जीरो, ये मान लिया, देन डेल्टा जी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जीरो होता है, इट मींस क्या हो गया वहां पे, इक्विलिब्रियम आ गया, ये कौन सी होगी, एट इक्विलिब्रियम स्टेट। एट इक्विलिब्रियम स्टेज, इक्विलिब्रियम स्टेज होगी। यहां पर आर फॉरवर्ड किसके बराबर होगा, आर बैकवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर हुआ। केस सेकंड, सेकंड केस, यहां पर मैंने ये मान लिया इफ ईएमएफ ऑफ सेल, ई सेल ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो बोल दो, या ईएमएफ ऑफ सेल क्या आ रहा है आपके पास, है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव।
तो इस कंडीशन में डेल्टा जी है वो लेस देन जीरो, या ये किस कह सकते हो डेल्टा जी आपके पास में क्या होगा, नेगेटिव। और आप ये जानते हैं जहां पर भी गिब्स थ्योरी एनर्जी चेंज नेगेटिव होती है वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो ये क्या होगा स्पॉन्टेनियस। फॉरवर्ड यानी रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। केस थर्ड, मैंने ये लिखा इफ ई सेल लेस देन जीरो यानी ईएमएफ ऑफ सेल कैसा आ रहा आपके पास में, नेगेटिव, देन ईएमएफ नेगेटिव, साइन भी कहेगी नेगेटिव है, इसके पहले साइन नेगेटिव है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इस कंडीशन में डेल्टा जी क्या होगा ग्रेटर देन जीरो, इट मींस डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव। और जब भी फ्री एनर्जी चेंज या गिव्स फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव होता है प्रोसेस क्या होगी नॉन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये क्या होगी नॉन स्पॉन्टेनियस, इट मींस रिएक्शन गोस टू बैकवर्ड डायरेक्शन, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, एक दो रिलेशन और बता देता हूं, कई बार पूछ लिया जाता है थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन है ये, तो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में देखो तो स्टैंडर्ड कंडीशन में गिव्स फ्री एनर्जी चेंज के लिए क्या लगाओ डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, या गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इसको मैं रिलेशन बना सकता हूं एंथैल्पी के साथ में भी एंट्रोपी के साथ, क्या होता है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट, ये भी लिख सकते हो, या डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, ये भी लिख सकते हो। और ये भी आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम कंडीशन उस पर गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है वो तो जीरो होती है, लेकिन स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है वो जीरो नहीं होते। चलो मैं दोबारा से भी बता देता हूं एक रिलेशन, मिटा दे इसको, लिख लिया होगा आपने, देखिएगा आगे। देखिए हम ये रिलेशन जानते डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, एक रिलेशन दोबारा से बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट रिलेशन है थर्मोडायनेमिक्स में भी आता है, मैं बात कर रहा हूं एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन जब होगी वहां पर डेल्टा जी है इसकी वैल्यू तो जीरो होगी, और रिएक्शन कांस्टेंट क्यू की जगह क्या लिखोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होता, कौन जीरो होता है डेल्टा जी, तो ये हो गया जीरो डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, तो यहां से क्या होगा डेल्टा जी नॉट इक्वल के इधर लाओगे साइन चेंज हो जाएगा माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। और इससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करने के लिए रिलेशन बनाते हैं, याद रख लेना इसको, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू एल एन को लॉग में कन्वर्ट करते हो, क्या करते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए इसको। तो आपका गिव्स फ्री एनर्जी और ईएमएफ में पूछा जाए तो क्या रिलेशन होता है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एनएफ माइनस एनएफ ई सेल या ईएमएफ ऑफ सेल। मिटा दे, चलो एक क्वेश्चन करवाता हूं, मेडिकल एग्जाम में पूछा हुआ है 2003 का, जब सीबीएसई पीएमटी हुआ करती थी। देखिए ये मेडिकल में पूछा हुआ 03 में क्या था, ये इक्वेशन दे रखी 4/3 एल्यूमिनियम प्लस O2, ये कन्वर्ट हो रहा है 2/3 Al2O3, और इसके लिए गिव्स फ्री एनर्जी दे रखी है चेंज है -827 किलोजूल पर मोल, ये देर का। उसके आगे पूछा गया था कैलकुलेट द मिनिमम, कैलकुलेट द मिनिमम रिक्वायर्ड ईएमएफ फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एलुमिना Al2O3।
इसका किस फ्री एनर्जी ध्यान दे रखिए, इसके इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए कितने मिनिमम ईएमएफ की रिक्वायरमेंट है, फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल माइनस एनएफ ईसेल, कीजिएगा। तो देखो आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रोलाइसिस ये होगा ना अपोजिट होगी, इससे क्या फर्क पड़ेगा, L2O3 क्या हो गया 4/3 एल्यूमिनियम प्लस O2, डेल्टा जी क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला जानते, देखो गलती कहां पे बच्चा करके आता है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखो आप ये फॉर्मूला भी जानते हैं, मेरे को पता है डेल्टा जी इक्वल टू सब बच्चे जानते हैं माइनस एन एफ ई सेल, ये हो गया ठीक है। तो यहां से ई सेल है उसके लिए आप देखोगे तो ये भी साइन क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा डेल्टा जी अपॉन एन एफ, ये होगा। आपके पास में डेल्टा जी है, इसकी वैल्यू है 827 किलो जूल है, जूल में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि फेराडे कांस्टेंट कूलाम में हम लेते हैं, तो ये क्या होगा 10^3, ये 96500। नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन ये कितना होगा, बस ये बताना है, और जिस बच्चे को ये पता है उसे कोई गलती नहीं होगी। और इसको मैंने मोल में भी आपको समझाया था, रेडॉक्स में भी आपको समझाया था, मोल और रेडॉक्स के कंप्लीट लेक्चर यूट्यूब पे पड़े हैं, आप जाइएगा वहां से और कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। देखो हम ये जानते हैं एक एल्यूमिनियम, वन मोल एल्यूमिनियम ले लिया, वन मोल एल्यूमिनियम है उसमें ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा +3, एल्यूमिनियम किस में जा रहा है एल्यूमिनियम +3 में, तो वन मोल के रेस्पेक्ट में ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वन मोल के रेस्पेक्ट में ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन है 3, और रियल में इसके कितने मोल है स्टाइकोमेट्री में बैलेंस रिएक्शन है कितने 4/3, तो 1 मोल अगर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है तो 4/3 मोल कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, 4/3 × 3, 3 से 3 कैंसिल आउट कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लेने 4, बस ये बताना चाह रहे हैं। सॉल्व कर लेना आप इसको, ये ऑलमोस्ट आएगी 2.14 वोल्ट, ये आप सॉल्व कर लोगे ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो समझ में आया कि आपको क्या बताएं, फ्री एनर्जी चेंज और ईएमएफ के बीच में रिलेशन है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एनएफ ई सेल, ठीक है। बस ध्यान क्या रखना है, बैलेंस सेल रिएक्शन के अंदर जो ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें गलती नहीं करनी आपको, नोट कर लीजिए और करवाते हैं, नोट कर लिया और देखिए और प्रैक्टिस करवाते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं इस पर, देखिएगा बहुत सिंपल सिंपल है। बेटा एक चीज अभी मैंने बताई थी आपको, डेल्टा जी है ये तो एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, ई सेल होता है एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, जिसको हम थर्मोडाइनमिक्स में भी पढ़ के आते हैं। देखो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, देखो आपको ये दे रखा है ई नोट सेल, ई नोट सेल एफ ई प्लस टू, ये कन्वर्ट हो रहा है एफ ई प्लस थ्री, और इसके लिए ई एम एफ है ए, ये कंसिडर कर लिया ठीक है। सेकेंड है ई नॉट एफ ई प्लस टू, सॉरी एफ ई जीरो ये जा रहा है एफ ई प्लस थ्री, ये है बी, ये दे दिया। देन देन ई नॉट एफ ई जीरो एफ ई प्लस टू विल बी, देखो एफ ई प्लस टू एफ ई प्लस थ्री में जा रहा कितना है ए, जीरो से किस में जा रहा है प्लस थ्री में कितना है बी, तो इसका ई एम एफ है ये कैलकुलेट करो। देखो बेटा जब भी ऐसा होता दो इक्वेशन से इस थर्ड इक्वेशन को बना लो, देखो सॉल्यूशन बता रहे हम कैसे करेंगे। देखो हमने ये सोचा, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल है, स्टार बना रहा हूं इस पर, एफ ई प्लस टू है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है एफ ई प्लस थ्री में, ऑक्सीडेशन हो रहा है कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा एक, और इसका ई एम एफ कितना है ए, इसको मैं ई वन मान लेता हूं, ई वन कितना है ए। दूसरा एफ ई ये जीरो से ये किस में जा रहा है एफ ई प्लस थ्री में, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल रिमूव थ्री, ये होंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके लिए ई टू मान लेता हूं मैं, ये कितना दे रखा है बी।
ये दो इक्वेशन है, इसको मैं लिख देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। इन दोनों इक्वेशन से वो वाली बनानी, उसी का तो कैलकुलेट करना है हमें, इसका कैलकुलेट करना है। एफ ई जीरो है, इससे किस में जा रहा है, एफ ई प्लस टू में, दो इलेक्ट्रॉन रिमूव, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी थर्ड। इन दोनों इक्वेशन से थर्ड कैसे बनाए, बहुत सिंपल सा है। जब भी ऐसी चीज आती है तो वहां पर आपको सेटिंग करनी होती है। सेटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो क्या देखो, एफ ई को देखो, इसको सेट करना ना, कहां सोचने लग जाते हो। देखो इधर एफ ई है, किसमें, इस वाले में, सेम साइड में, आप भी लेफ्ट साइड में, ये भी लेफ्ट साइड में, सेम साइड में एज इट रख दो। फिर एफ ई प्लस टू को देखा, राइट साइड में, इधर कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में। फिर देखो एफ ई सेम साइड में, सेकेंड वाले में, तो ऐसा कैसा रख दिया आपने। एफ ई प्लस टू को देखोगे फर्स्ट वाले में आ रहे हैं, लेकिन सेम साइड में नहीं, अपोजिट साइड में, तो आप इसको अपोजिट कर दो, यानी माइनस कर दो, ऐसे बनेगी। तो यहां पर थर्ड वाली इक्वेशन किससे बनी, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इससे बनी। तो यहां पे बेटा आपका लिए, इसके लिए ई सेल, मैं इसको ई लिख रहा हूं या ई नोट लिख देता हूं, या ई थ्री भी लिख सकते हो। तो क्या होगा, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो क्या होगा, बी माइनस ए, ये पोटेंशियल होगा। लेकिन ये बेटा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आप ऐसे एलजेब्रिक मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग तभी कर सकते हो एडिशन और सब्सट्रैक्शन, जब वो आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी हो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो, ठीक है। लेकिन ईएमएफ ऑफ सेल होता हो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होता, वो इंटेंसिव होता है। एक्सटेंसिव कौन सा होता है, तो डेल्टा जी। तो हम कैसे करेंगे इसको, ई को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, गिब्स फ्री एनर्जी से। देखो तो यहां पर बेटा मैं ये लिख सकता हूं, ये हो गया डेल्टा जी वन, इसको मैंने डेल्टा जी वन मान लिया, ये वाला हो गया डेल्टा जी टू, और ये वाला हो गया डेल्टा जी थ्री या डेल्टा जी नॉट मान लिया। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, ये थर्ड वाली इक्वेशन बनी, ये थर्ड इक्वेशन में डेल्टा जी नॉट है, वो किसे बनी है, सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो यहां पे ये जरूर लिख सकता हूं मैं, डेल्टा जी टू माइनस डेल्टा जी वन, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार देख लो पूरा, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे, बहुत विद इन 5 सेकंड में हो जाएगा। लेकिन कई बच्चे बोर्ड एग्जाम भी देनी होती है, तो उसके लिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं। तो यहां पे बेटा हम देखेंगे डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल, तो ये होगा माइनस एन एफ ई सेल, ये तो कैलकुलेट करना ई, ये क्या होगा माइनस एन, एन टू बोल देता हूं, एफ ई टू माइनस माइनस एन वन एफ ई वन। एफ तो क्या है, इधर डिवाइड करो, एफ से एफ कैंसिल आउट, कॉमन लेके कैंसिल कर दो यार। फिर देखो क्या बचा आपके पास में, माइनस एन इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं यहां पे, टू, टू ई इक्वल टू, इस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, सेकंड वाले में थ्री, तो क्या होगा माइनस थ्री ई टू, माइनस इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, वन, माइनस वन, वन लिखो या मत लिखो ही की बात है, माइनस ई वन, माइनस से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, टू ई इक्वल टू थ्री ई टू, माइनस माइनस प्लस था लेकिन माइनस से डिवाइड किया तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस ई वन, ठीक है। तो यहां से आपके पास में ई किसके इक्वल आ गए, ई थ्री ई टू माइनस ई वन डिवाइड बाई टू, और E2 किसके बराबर है, B, और E1 क्या है, A, तो हम क्या लिखेंगे, 3B माइनस A डिवाइड बाई 2, तो ये होगा EMF, नॉट B माइनस A, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, फिर बोल रहा हूं EMF होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं, इंटेंसिव है। आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन किसका कर सकते हो, जो एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, और एडिटिव कौन सी है, गिब्स फ्री एनर्जी। तो E में नहीं है, उसको पहले डेल्टा जी की टर्म में सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसको किसमें कन्वर्ट करना है, E में। थोड़ा नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद में इसका एक अल्टरनेट मेथड बताता हूँ, विद इन 5 सेकेंड आप क्वेश्चन कर लोगे, नीट एग्जाम में है तो कैसे करना बता रहे, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, देखिएगा इसको, लिख लो इसको। नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, चलो एक अल्टरनेट मेथड और बस सिखा देते हैं बेटा, बोर्ड एग्जाम में तो ऐसे करना पूरा सॉल्व, अल्टरनेट मेथड बता रहे हैं फॉर नीट एग्जाम। देखो सेम क्वेश्चन के लिए,
और बाकी के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो अल्टरनेट मेथड से करेंगे। ये तो समझ गए ना ऐसे क्यों किया। देखिएगा और बता रहे अल्टरनेट मेथड बता रहे इसका। देखिए अल्टरनेट मेथड क्या है, आपको इसका फॉर्मेशन करना इन दोनों से, सेटिंग करना सीख गए। देखो ये इक्वेशन को लिख लो पहले, मैं दोबारा से लिख रहा हूं इसको, एफ ई प्लस टू एफ ई प्लस थ्री कितना है ए, एफ ई जीरो एफ ई प्लस थ्री कितना है बी, कैलकुलेट किसका करना है एफ ई जीरो एफ ई प्लस टू इसका कैलकुलेट करना है। ऐसे लिखी हुई मिलेंगे आपको। आप यहां पर इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस देखो कितने का, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वन, जितने का डिफरेंस है उतने से इसको मल्टीप्लाई कर दो, डिफरेंस कितने का थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री, इसमें डिफरेंस कितने का है टू, तो यहां पर जो भी आए उससे डिवाइड करोगे। अब देखो बनाओगे कैसे, एफ ई जीरो सेकेंड में ऐसा कैसा है, तो ये ऐसा कैसा लिख लिया थ्री बी, एफ ई प्लस टू फर्स्ट वाली इक्वेशन में लेकिन सेम साइड में अपोजिट अपोजिट साइड में मिल रहा है तो माइनस ए, और जो खुद का डिफरेंस होता है जिसका कैलकुलेट करना उसे डिवाइड कर दिया। समझ में, देखो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो, इसमें वन है थ्री है इसमें टू, जिसका कैलकुलेट करना उसका डिवाइड करो और इस वाले का क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, फिर सेट कर दो। सेट कैसे करोगे, आपकी साइड में तब सेट है, आपसे अपोजिट साइड में तो माइनस कर दो। क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए इसको और करवाता हूं। तो समझ में आ रही कि सेटिंग कैसे करनी है इक्वेशन की, और बताते हैं एक ऐसा और करवा दें। लिखिएगा देखो, इसको सॉल्व कीजिए, E नॉट कॉपर प्लस टू कॉपर प्लस वन, वन लगाने की जरूरत नहीं प्लस लिख दिया तो ये कितना होगा, या वन लिख देते हैं A। उसके बाद में देखिए ये दे रखा E नॉट कॉपर प्लस टू कॉपर, कुछ नहीं लगा तो जीरो हो गया, ये तो अंडरस्टूड है, ये कितना है B। आपको कैलकुलेट करना है E नॉट कॉपर प्लस वन कॉपर जीरो, ठीक बताइए वैसे करो या डेल्टा जी इक्वल टू एन एफ से कर लो, सिंपल सा है हो जाएगा। देखो नहीं बेटा ऐसा करना है, इसको ये वन जीरो कर लेना, कैलकुलेट करना है वो टू जीरो का करो, ये करो ये पूछा हुआ है, कीजिए इसको वो ये सेट करो। किया क्या किया सर, मैं भी सेट करूंगा करो। देखो ये होगा E नोट कॉपर प्लस टू कॉपर प्लस वन, ईएमएफ कितना है इसका A, E नोट कॉपर प्लस वन कॉपर जीरो ईएमएफ कितना है B, और आपको कैलकुलेट करना है E नोट कॉपर प्लस टू कॉपर जीरो, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वन, ये तो वन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू, इससे तो डिवाइड करें, वन से मल्टीप्लीकेशन का कोई मीनिंग नहीं होता, कॉपर प्लस टू बस इनको ही देखो, आपको इनसे ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा सब। कॉपर प्लस टू फर्स्ट वाले में सेम साइड ए लिखा, कॉपर जीरो सेकेंड वाले में राइट साइड में, ये भी राइट साइड में सेम साइड है, सेम साइड होता तो ऐड कर दो, और जो इसका डिफरेंस है इससे डिवाइड करो, ए प्लस बी डिवाइड बाई टू, नोट कर लीजिए इसको और करवाते हैं। नोट कर लिया, चलो और प्रैक्टिस करवाते हैं। देखो दो तीन क्वेश्चन और करवाते हैं, इस पर इंपॉर्टेंट है बेटा ये। देखो एक ट्रिपली में पूछा हुआ क्वेश्चन करवा रहा हूं, पहले जेई मेंस की जगह क्या होती थी ट्रिपली,
तो 2009 में पूछा हुआ था ही क्वेश्चन, वो करवा रहे एआई ट्रिपल या जेई मेंस भी कर सकते हो आजकल की। देखो इसमें पूछा गया था ई एफ ई प्लस थ्री, ई नॉट एफ ई प्लस थ्री, एफ ई और इसके लिए पोटेंशियल है ए वन। सेकेंड यहां पे बता रहे ई नॉट एफ ई प्लस टू और एफ ई जीरो, अकेला एफ ई लिखो ना एक ही बात है, ये है ए टू। देन कैलकुलेट द ई नॉट एफ ई प्लस थ्री एफ ई प्लस टू, इसके लिए इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये ई एम एफ दे रखा है इसको, तो एडिटिव प्रॉपर्टी तो होती नहीं है, जिस फ्री एनर्जी में चेंज करके करो या फिर ट्रिक बता रखी है आपको डायरेक्ट उससे करो। ट्रिक से करें डायरेक्ट कीजिएगा, चलो लिखता हूं मैं इसको, ये कैलकुलेट करना है। ये बेटा यहीं पे कर देते हैं, डायरेक्ट मैं यहीं पे कर रहा हूं, ये मान लेते हैं ये था, इसका कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, थ्री, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वन, तो इसे तो डिवाइड करना, वन के डिवाइडेशन का भी कोई मतलब नहीं है। अब देखो सेट करो एफ ई प्लस थ्री कौन से में आ रहा है, फर्स्ट वाले में, सेम साइड या अपोजिट साइड, सेम साइड, तो क्या करना है एज इट रख दो इसको, पहले तो मल्टीप्लाई करो ना जो भी डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को उससे मल्टीप्लाई करते हैं जो डिफरेंस आता है, तो क्या होगा वैसा का वैसा होगा थ्री ए वन। फिर एफ ई प्लस टू है वो सेकेंड में मिल रहा है, सेम साइड या अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, जैसे अपोजिट साइड मिले माइनस कर दो, माइनस टू ए टू डिवाइड बाई वन, जिसका कोई मतलब नहीं, बहुत इजी से है। ठीक है, अच्छा आई टी में पूछा जाता है, बहुत इजी होते हैं, ट्रिक से करोगे देखो विद इन 5 सेकेंड हो रहे हैं, और करवाता हूं, इसको नोट कर लीजिए, मिटा दे, चलो मैं एक को लिखता हूं आप सॉल्व करेंगे इसको। डेटाबेसिस का लिख देता हूं एक में, जिसमें डेटा दे रखे हैं ई नॉट एम एन प्लस सेवन, ये कन्वर्ट हो रहा है एम एन प्लस फोर, इसके लिए इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैलकुलेट करना आपको, गिवन ई नॉट एम एन प्लस सेवन एम एन प्लस टू, इसका पोटेंशियल 1.51 वोल्ट, एंड ई नॉट एम एन प्लस फोर एम एन प्लस टू, इसका दे रखा है 1.23, कैलकुलेट करो, ये भी पूछा हुआ है, इंजीनियरिंग में पूछा हुआ है, सॉल्व कीजिएगा, बहुत इजी है मेथड, आपको बता दिया, करो अपने से, फिर मैच करते हैं, देखते हैं किसका सही आता है। किया, चेक करवाते हैं, देखो आपके पास में ये था ई नॉट, इन दोनों से इसको बनाना है, तो पहले इनको लिख रहा हूं मैं ई नॉट एम एन प्लस सेवन एम एन प्लस टू, ये 1.51 वोल्ट, साथ में लिखते जाओ डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, देन इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 1 5 25 और 7.55 वोल्ट आ गए। सेकेंड वाले में देखिएगा E नॉट एम एन प्लस फोर एम एन प्लस टू, डिफरेंस कितने का डिफरेंस है, 2 का, कितना रखोगी, 1.23 था, देन मल्टीप्लाई बाई 2.46 वोल्ट, ये हो गया आपका। ठीक है, कैलकुलेट किसके लिए करना है आपको, कैलकुलेट आपको करना है ये एम एन प्लस सेवन चेंज इन एम एन प्लस फोर ई नॉट एम एन प्लस सेवन एम एन प्लस फोर, डिफरेंस तो यहां पे भी देखा जिसे आपको डिवाइड करना है 3। अब देखो एम एन प्लस सेवन फर्स्ट वाले में तो एज इट रख दो 7.55, प्लस फोर सेकेंड वाले में मिल रहा है
सेम साइड या अपोजिट साइड? देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको किधर चाहिए, राइट साइड में, तो माइनस कर दो, माइनस 2.46, और जो यहाँ पे डिफरेंस आता है उससे डिवाइड कर रहे हैं। इससे डिवाइड करोगे 3 को, सॉल्व कर लेना बेटा, ये पूछा हुआ है, 1.69 वोल्ट आएगा ऑलमोस्ट, देख लेना। समझ में आया क्या? क्या तो सिंपल से होता है, आप कर लोगे। चलो एक और करवाता हूँ, एक और मेडिकल में पूछा हुआ है, ध्यान नहीं मेडिकल या आईटी में कुछ पूछा हुआ 2011 के आसपास कौन से एग्जाम में था, उसको और मैं लिख देता हूँ। इसको उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिए ये सॉल्यूशन आपका, कैसा लिख देता हूँ मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, चलो इसको मिटा के लिख देता हूँ, नोट कर लिया, लिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, 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 कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, किसके लिए बात करें, ये इक्वेशन दे रखी है इसके लिए, Sn प्लस टू इलेक्ट्रॉन को गेन करके कन्वर्ट हो रहा है Sn में, और इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसकी वैल्यू दे रखी है -0.24 वोल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार बना रहा हूं, पूछा हुआ। नेक्स्ट है Sn प्लस 4, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कन्वर्ट हो रहा है Sn प्लस 2, और इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसकी वैल्यू दे रखी है प्लस में 0.30 वोल्ट। तो इसके बेसिस पे बताना कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है स्टेबिलिटी के बेसिस पे, तो Sn प्लस 2 इज स्टेबल। सेकेंड है Sn इज स्टेबल। थर्ड है Sn प्लस 4 इज स्टेबल, और फोर्थ है नन ऑफ दिस। थोड़ा सा ट्राई अपने से कीजिएगा कौन सा स्टेबल। एक चीज थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ के आता, मैं यहां पे भी बता देता हूं बेटा, जिस डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है ना, उसका जो भी प्रोडक्ट है या जो भी रिएक्टेंट है वही स्टेबल होता है। देखो कैसे होता है बताओ, देखिएगा पहले वाली इक्वेशन के बेसिस पे बता रहा हूं, ये दो इक्वेशन आपके पास में, फर्स्ट ये सेकंड। पहले में देखो ई सेल है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई नोट सेल, तो ई नोट की वैल्यू नेगेटिव है, तो डेल्टा जी नोट की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। डेल्टा जी नोट पॉजिटिव है, इट मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस, और जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस होती है वो किधर जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन, इधर, और इधर जाके क्या बना रहा है, Sn प्लस 2। जो बेटा बनता है ना रिएक्शन में वो स्टेबल है, इसका मतलब ये वाला क्या होगा, इसमें स्टेबल, Sn प्लस 2। फर्स्ट वाली से तो क्या मिल गया, Sn प्लस 2। सेकेंड को भी चेक करते हैं, सेकेंड में हमने देखा डेल्टा ई नोट है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी नोट है वो होता माइनस एन एफ ई नोट सेल, और ई नोट सेल है ये पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी नोट यहां पे क्या होगा, नेगेटिव, और डेल्टा जी नोट नेगेटिव है, इट मींस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, विच डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट मींस ये किधर जाएगी, Sn प्लस 4 में नहीं रहेगी, रिएक्शन आगे चली गई, तो यहां पर क्या बन रहा है, Sn प्लस 2 तो ये स्टेबल। तो फर्स्ट के बेसिस पे देखा तभी Sn प्लस 2 बन रहा था, सेकंड के बेसिस पे देख रहे हैं तभी भी Sn प्लस 2 बन रहा है, इट मींस Sn प्लस 2 है ये स्टेबल होगा। तो ये था बेटा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और EMF ऑफ Sn इसके बीच में रिलेशन। ध्यान रखने के तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक EMF देकर सेट करना सिखाया उसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और तो ये आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द वेरी बेस्ट।